भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की जिन योजनाओं और कामों का पहले ही श्री गणेश हो चुका है, कांग्रेस नेता उसे अपना बताकर झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। मुख्यमंत्री जनसमस्या निवारण अभियान में जिले के बिछुआ विकासखंड पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परासिया विकासखंड में होने वाले करोड़ों रुपए की लागत के कार्यों का भूमि पूजन करते हुए उनका श्री गणेश किया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जिन कामों का भूमि पूजन कर दिया गया है, उन्हीं कामों को कांग्रेस के लोग अपना बताकर भूमि पूजन करने लगे हैं। जिला पंचायत सदस्य अरुण यदुवंशी ने कांग्रेस नेताओं पर झूठी वाहवाही लूटने का आरोप लगाया है। समस्त जिला पंचायत क्षेत्र की जनता जनार्दन को पत्रकार 26/12/2022 को मेरी जिला पंचायत क्षेत्र की पंचायत ग्राम चरई और दरबई में सम्मानीय विधायक सोहन बार्मी की और जनपद उपाध्यक्ष जमील खान के जी के द्वारा शासकीय कार्य में 3 लाख रुपए के बच्चों के बैठने के फर्नीचर, 2 लाख रुपए की नाली निर्माण, 1 लाख रुपए खेड़ापति मंदिर के टाइल्स के कार और साथ में 38 लाख रुपए की पाइप लाइन विस्तारीकरण का भूमि पूजन किया गया। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाइप लाइन विस्तारीकरण जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मिली जुली योजना है, जिसका भूमि पूजन पूर्ण रूपेण बिछुआ में विगत दिनों आए मुख्यमंत्री प्रदेश के श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा कर दिया गया है और इस तरह ग्रामीण जनता को गुमराह करके ये वाहवाही लूटना चाहते हैं और अपना श्रेय लेना चाहते हैं। इसी तरह दरबई में भी 45 लाख रुपए की राशि से 5 किलोमीटर विस्तारीकरण पाइपलाइन के बारे में इनके द्वारा कहा गया है, जबकि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, इतना मैं कहना चाहूँगा। और इनके तरफ से विधिवत रूप से कोई विभागीय ऐसा आयोजन नहीं था और अगर था भी तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ, मुझे सूचना दी जानी चाहिए थी और मेरी उपस्थिति में भूमि पूजन होना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।